तो वंदना, मी टू मूवमेंट चल रहा है, बॉलीवुड में भी बड़े 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 नाम सामने आ रहे हैं, जैसे नाना और तनुश्री का मामला वापस सामने आया, आलोक नाथ के बारे में बहुत कुछ, साजिद खान का नाम आ गया है। आप क्या कुछ इस मी टू मूवमेंट में जोड़ना चाहेंगे, आप क्या कुछ खुलासा करना चाहेंगे इस वक्त हमारे सामने? एक्चुअली मैं अभी मुंबई में और इंडिया में 7 साल रह चुकी हूँ और इट्स वेरी एक्साइटिंग, काफ़ी मैं एक्साइटेड और काफ़ी खुश हूँ कि फाइनली ये मी टू मूवमेंट इंडिया में भी शुरू हुआ है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर वुमेन कि आपका वो जो ओपिनियन है और जो जो चीज़ों चल रहा है, यू नो इट्स अ इशू विच इज़ हैपनिंग, फाइनली वीमेन आर टॉकिंग अबाउट इट, लोग बात कर रही है और यू नो एवरी वन इज़ कमिंग अप एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैज़ बीन हैपनिंग फॉर मेनी ईयर्स। सो या इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी इन इंडिया एट दिस मोमेंट। अच्छा वंदना, आप कुछ खुलासा करना चाहेंगी, बॉलीवुड में आपके साथ कभी किसी ने इस तरह की हरकत की है, बदसलूकी की है, बदतमीजी की है आपके साथ, मुझे बस एक चीज़ कहना है कि आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी एंड सॉरी अगर बीच में इंग्लिश में मैं बोलती हूँ टू गेट द एग्जैक्ट वर्ड फॉर यू। शायद 3 साल पहले जब मेरा शादी हुआ देर वॉज अ रीज़न फॉर मी टू जस्ट गेट मैरिड और एंड द रीज़न वॉज यू नो आई हैव बीन वर्किंग, मैंने अभी बहुत काफ़ी साल काम किया है एंड मैं इंडिया के बारे में बात नहीं करती हूँ, एज अ वूमन बींग अ वूमन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बींग पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री क्योंकि ये जो होता है हैरेसमेंट, सेक्शुअल हैरेसमेंट, आपका जो कॉलिग है, आपका बॉस है, यू नो सब जगह में होती है, इट्स हैपनिंग इन एनी इंडस्ट्री एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड आई गॉट टायर्ड क्योंकि यू नो ईरान में भी ये इशू के बारे में बात करना, यू नो इट्स लाइक दे से दैट इज्जत, तुम्हारा फैमिली का इज्जत ये हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और पीपल टॉक अबाउट लोग क्या कहेंगे और अगर आपको शादी करना है, अगर यू नो यू कम अप फ्रंट एंड से मेरे साथ भी ये हुआ है तो यू नो फैमिली का इज्जत बहुत ये हो जाएंगे। So I'm coming also from that culture, so I never wanted to talk about it, but and I didn't want to give any name or anything. So I think for me, the first guy who you know I fell in love and I wanted to get married and I didn't want to work anymore because I was also tired. I was like, you know what, I don't want to deal with it anymore. लेकिन वो ही मेरा mistake था कि जब तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, especially in your work environment. जब हैरेसमेंट हो रहा है, जब दूसरा तुम्हारा टच कर रही है और हैरेस कर रही है सेट पे और इट कुड बी इन योर ऑफिस, आप यू नो यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू अगर यू नो यू कैन स्ट्रेट टॉक टू दैट पर्सन एंड टेल हिम नो डोंट डू इट और स्टॉप डूइंग इट, कम से कम यू नो यू नीड टू टॉक अबाउट इट एंड इन माई केस आई डिडंट टॉक अबाउट इट एंड लेकिन बस एक चीज़ था कि इन माई केस आई वॉज रियली लकी आई हैड अ वुमन प्रोड्यूसर क्योंकि मेरा जो डायरेक्टर था मेरे साथ बहुत बदतमीजी किया और यू नो इनको इनको डांस आता नहीं है, हर रोज़ कुछ ना कुछ तो हुआ सेट पर, यू नो बिफोर वी वेंट फॉर आवर शूट हर रोज़ कुछ तो कुछ बहाना कि यू नो शी इज़ नॉट इंडियन, इनको हिंदी आती नहीं है, डांस आती नहीं है, ये आती नहीं है, वो आती नहीं है, बस रीज़न क्या था, आई वॉजन्ट कुछ टू माई डायरेक्टर, you know, and I've gone through that and I was lucky I had a female producer, maine wo log ke sath baat kiya and they took care of it, lekin it didn't stop him from not harassing me on set. I would have been the first one on set 8 baje mein, I would have been on set waiting for everybody and no one was on set and I would just like wait the whole day. And you know, every day there was just harassment every single day. And until I finished my shoot, I came back to Mumbai. And after another one project, I got married because you know I was just tired and I didn't want to deal with it anymore. Yeah. How long was it? Was it for a Bollywood movie? Yeah, it was for a Bollywood movie. And kya hai ki I'm not here today to give names. I'm not here to say, oh, acha, mere saath bhi hua hai, aise hua hai, ye hua hai, wo hua hai. Nahi, I'm not here to talk about it.
but I'm here to say one thing from my own experience. Because as an artist, it doesn't matter how big or how small you are, I might not be the A-lister, I might not be Salman Khan or Shah Rukh Khan or the guys who have been around for so many years and they are heroes of, you know, Bollywood. But I think in my own space, in even if I have 5 followers, I want to talk to them and tell them, agar jo kuch ho raha hai aapke saath, you have to talk about it. And I didn't talk about it. I got married, I stopped working, and that was my biggest mistake. Because I love what I do. I love films, I love being an artist, I love entertainment business. But I ran away because of the harassment, because of the troubles that I was getting through, you know, on set, and she's only foreigner, no? Hot hai, sexy hai, inko bikini do, or kuch, you know, sexy hot item number, or that's how they bracket you. And I was just tired of it, but you know, it's how it is. Mandira, kya wo cheez hai jo aapko rok rahi hai? Tanushree ne Nana ka naam liya hai, Sajid Khan ka naam abhi Saloni Chopra ne liya hai, Sajid Khan ko film Houseful se hata bhi diya gaya hai, Aamir Khan ne Mughal chhod diya hai, Subhash Kapoor ki wajah se. Kya wo cheez hai jo aapko naam lene se rok rahi hai? Kyunki sab log ab naam lekar khulam khulla Me Too movement mein jude hain, to aap kyun naam nahi lena chahte director ka, aur jin logon ne aapko harass kiya? Actually, शायद मेरे साथ इतना strong case नहीं था क्योंकि as a person, if I don't like something, I was actually watching her interview about what happened exactly on the set with him. My situation was different. She never told him to stop it, or she never told him कि आप ये मत करो. You know, for me was I left. And you know, I didn't take any part of it. And I think in a way, because of, you know, my ex, who was my supportive, you know, maybe because of him they kind of also backed off. I don't know, but I don't think giving name is gonna help me in anyhow or help anyone anyhow. I'm not here to bring out, and by the way, the person that I'm talking about, he's not even anywhere anymore, because his work was so bad. If you agar aap gandi si ke, you know, you have such a dirty mind and dirty heart, and ye sab gande kaam kar rahi hai set pe, you're not going to go anywhere. And so I mean, there's no point of giving any names. And I think in my case, karma, it's, as they say, karma, it's the biggest example of a lot of people. It just pays back. I mean, you can't, if you disrespect a woman, if you behave with the woman like that, and then also one day you're gonna get it back. And I think that person that I'm talking about, he has got it back, and I'm still working, and he's not. He hasn't even directed any other film or anything. So, yeah. Thank you so much. Yeah, thank you so much, guys. Thank you. Wait. It on your right. On your right, there you have it pinned up. Look here. Sorry. Good luck.
Thank you. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.